ठीक है, नेवन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपके बाइक का स्पार्क प्लग चेक करके बता सकते हो इंजन का हालत कैसा है, ठीक है, रीच हो रहा है, मिक्सचर आपका गलत है, इंजन का हेल्थ कैसा है, इंजन सही से परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दो चीज़ आपको मिल जाएगा सिर्फ स्पार्क प्लग अगर आपको चेक करना आ गया तो। चलो, आपका स्पार्क प्लग ब्लैक निकले के बाद कुछ निकला, आपको आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, उसके बाद आप तुरंत चेक कर रहे हो स्पार्क प्लग खोल कर कि मेरा इंजन का ट्यूनिंग सही हुआ कि नहीं हुआ है। मैं बता दूँ, स्पार्क प्लग अगर आप चेक करना चाहते हो तो बाइक को एटलीस्ट 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर नॉर्मल चलाओ, इंजन हीट हो जाए, उसके बाद चेक करो कि स्पार्क प्लग आपका ठीक है कि नहीं है। क्योंकि आपने अगर एडजस्टमेंट किया, मान लो आपका स्पार्क प्लग ब्लैक निकला, आपने एडजस्टमेंट किया, फिर आप फिर से खोल कर चेक कर रहे हो कि मेरा स्पार्क प्लग तो ब्राउन होना चाहिए, होगा भाई, पहली बार अगर चेक कर रहे हो, उसके बाद अगर आपने एडजस्टमेंट किया उसके बाद 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलाओ, चलाने के बाद फिर से चेक करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने जो एडजस्टमेंट किया है वो सही है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। चलो मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ, और वीडियो शुरू करने के बाद एक चीज़ बता दूँ, और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो हमारे चैनल को, तो मेंबरशिप ले सकते हो, पास में ज्वाइन का बटन है, चैनल में जाओ उसमें ज्वाइन का बटन होगा। तो दैट्स इट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास ये तीनों स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग कैसे चेक करते हैं और स्पार्क प्लग खोलने के बाद उसे देख के इंजन का कैसा हालत है, इंजन माइलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ओवर हीटिंग नहीं कर रहा है, आपने जो एडजस्टमेंट किया है वो सही से नहीं किया है, उसका आउटपुट कैसे चेक करोगे। स्पार्क प्लग चेक करने के बाद आपको A to Z चीज़ें मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें स्पार्क प्लग से एक्चुअली देख के बता सकते हो कि इंजन का हालत क्या, तमाम चीज़ें बता सकते हो। आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि स्पार्क प्लग कैसे चेक करते हैं और कैसे आप चेक करके बताओगे कि कैसा ये इसका हालत है। पहली बात, आपने बहुत सारे बाइक देखे होंगे, आपने बहुत सारे इशू फेस किया होगा, अभी दिस हुई है आपका बाइक ऑपरेटिंग कर रहा है, आपका बाइक मिसिंग कर रहा है, आपका आपने कार्बोरेटर ट्यूनिंग तो किया बट सही से नहीं किया, आपको पता नहीं चल रहा, तो कैसे चेक करोगे। तो इसको हम ओपन करके दिखाएंगे लाइव, अभी मेरा बाइक कैसा माइलेज दे रहा है। तो पहले हम बता दें, अगर आपका स्पार्क प्लग जब आप खोलोगे इमीडिएटली उसे आप चेक करोगे इस तरीके से, तो मैं कुछ डिटेल बता दूँ। इसे कहते हैं जो उठा हुआ हिस्सा है, इसे कहते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड, और जो मेन वाला देख सकते हैं पॉइंट, उसे कहते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड। यही दो चीज़ जान लीजिए, बाकी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, अगर आप स्पार्क प्लग चेंज करो, नया परचेज कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अच्छे कंपनी का, जैसे NGK का यूज़ कर सकते हो, बॉस का यूज़ कर सकते हो, और आप चैम्पियन माइको चैम्पियन का भी यूज़ कर सकते हो, लोकल यूज़ ना करें, स्पार्क प्लग बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर आपका स्पार्क प्लग बिल्कुल देख सकते हैं पूरा ब्लैक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका बाइक माइलेज बिल्कुल नहीं देगा, आपका बाइक का पिकअप बढ़ जाएगा मोस्ट केसेस में, आपका बाइक का टॉप स्पीड कम हो जाएगा, आपका बाइक ऑपरेटिंग नहीं करेगा, मैं बता दूँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, और आपका बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, आपका बाइक माइलेज मतलब तेल बहुत ज़्यादा पी रही होगी, इसलिए ये पूरा ब्लैक है, मतलब जो इंजन के अंदर ऑयल आ रहा है, मिक्सर आ रहा है, उसमें पेट्रोल ज़्यादा है, तो क्या होगा, पेट्रोल को ये स्पार्क प्लग बर्न ही नहीं कर पाएगा। और मोस्ट केसेस में क्या मतलब रेयर केसेस में क्या होता है, अगर आपका ज़्यादा रिच है मिक्सर तो साइलेंसर से ब्लैक स्मोक आएगा, व्हाइट स्मोक नहीं, ब्लैक स्मोक आएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपका इंजन रिच चल रहा है अभी, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, और आपका स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा शॉर्ट करेगा, जल्दी जल्दी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डिबेज ज़्यादा होगा, तो इसे कहते हैं आपका रिच मिक्सर, आपका स्पार्क प्लग पूरा मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रोड आपका पूरा ब्लैक हो जाती है, पर हल्का ब्लैक है। सेकंड, अगर आपका बाइक का स्पार्क प्लग बिल्कुल वाइट है, देखो अगर आपका बाइक का स्पार्क प्लग या कि पुराना वाला है ऐसा पूरा ही मतलब पूरा चारों तरफ पूरा वाइट है, उस केस में आपका क्या होगा, बाइक आपको माइलेज तो बहुत अच्छा देगा बट आपका पिकअप नहीं देगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम 100% सुबह टाइम आएगा ही आएगा ठंडे इंजन में, टॉप स्पीड नहीं मिलेगा, पिकअप नहीं मिलेगा, इंस्टेंट पिकअप नहीं मिलेगा, क्लच छोड़ोगे मोस्ट केसेस में, क्लच छोड़ोगे थ्रॉटल घुमाओगे आपका बाइक बंद हो जाएगा, आपको रेस देकर बाइक उठाना पड़ेगा, तो इस केस में आपका बाइक का माइलेज बहुत अच्छा देगा बट आपका इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, आपको चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसे सेट ना करें। तो आपने अगर ट्यूनिंग एडजस्टमेंट किया है कार्बोरेटर का, आपने अगर तेल बहुत ज़्यादा टाइट कर दी, तेल उसको बिल्कुल मतलब उसको तेल बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो माइलेज मिलेगा बट अदरवाइज बाकी सब कुछ डाउन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपका ये वाला सेंट्रल इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड अगर व्हाइट बिल्कुल व्हाइट आ जाता है, और जो अच्छी बात है जो इसमें है,
नया इंजन मैंने ट्यूनिंग किया, ट्यूनिंग के बाद मैंने चेक नहीं किया कैसे इसका परफॉर्मेंस है, कैसे इसका अभी कार्स इसका जो स्पार्क प्लग मैंने खोल कर नहीं देखा। मैं आपके सामने दिखाऊंगा इसका जो स्पार्क प्लग है वो असल में कैसा है और कैसा होना चाहिए। एक्चुअली ये होना चाहिए अगर आपका ये वाला पूरा इलेक्ट्रोड पूरा जो काला काला देख रहे हैं ये वाला इलेक्ट्रोड पूरा ब्राउन होता है और यहाँ पर कार्बन डी पर बिल्कुल सफाई होता है तो आपके इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, माइलेज बिल्कुल दे रही है। चाहे आपका चाहे आप बोल रहे हो कि माइलेज मुझे नहीं दे रहा है, स्पार्क प्लग खोल के देखा कि आपको पूरा ब्राउन है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो इसलिए 100% समझ जाएगा कि आपका बाइक माइलेज तो दे रही है बट आपके चलाने की गलती की वजह से आपको माइलेज नहीं मिल रहा है, फिर आपको टेस्ट करना नहीं आता है। मतलब स्पार्क प्लग से ही समझ में आ जाएगा अगर ये पूरा ब्राउन निकलता है तो, ब्राउन टाइप का, ठीक है, ब्राउन टाइप का निकलता है। और ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप देख रहे हैं, गैप एक सही से रखा, देखो गैप कितना है, बिल्कुल परफेक्ट गैप है। देखो ये वाला जो गैप है ना, ये हल्का छोटा सा गैप सही होना चाहिए और आपको बाकी आप टाइट लगा सकते हो। तो चलिए आप दिखाता हूँ इंजन खोल के, मतलब इसका स्पार्क प्लग खोल के कैसा कंडीशन है, आपको पूरा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। मैंने इस बाइक में माइलेज एडजस्टमेंट का वीडियो बनाया था, कार्बोरेटर कैसे ट्यूनिंग करते हैं, उसके बाद से मैंने स्पार्क प्लग खोल के देखा नहीं है, मैंने जस्ट बाइक चला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्पार्क प्लग का हालत क्या है और कैसे आप देख सकते हो अपनी बाइक का स्पार्क प्लग चेक कर सकते हो। तो इस साइड का स्पार्क प्लग मेन आपको खोलना पड़ेगा 16 नंबर या फिर 17 नंबर के पाने से आपको खुल जाएगा, इसको मैं खोल लेता हूँ। सो गाइस आपके सामने मैंने स्पार्क प्लग खोला है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ये प्लैटिना का स्पार्क प्लग, देखो मैंने जैसे बताया था पूरा ब्राउन है, हल्का सा यहाँ पे वाइट, मतलब ये भी ब्राउन है, तो मतलब ये एकदम परफेक्ट मैंने ट्यूनिंग किया है। तो इस ऐसे ही आपका ट्यूनिंग होना चाहिए और देख सकते हो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन डिपॉजिट है ही नहीं, तो इसे कहते हैं परफेक्ट ट्यूनिंग। और इसमें क्या होगा, आपका माइलेज एक्यूरेट मिलेगा, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, एकदम परफेक्ट। इंजन का कंडीशन ओवरहीटिंग नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पिकअप आपका छोड़ेगा नहीं, पिकअप डाउन नहीं होगा, टॉप स्पीड इसमें ज़्यादा मिलता है मैं बता दूँ। तो ओवरहेड क्वालिटी मतलब पूरा परफेक्ट आपको इंजन कंडीशन परफॉर्मेंस मिलेगा अगर ऐसा आपका ऐसा स्पार्क प्लग क्वालिटी होता है। देखो पूरा ब्राउन है, अंदर का इलेक्ट्रोड देखो वाइट है और साइड में ब्राउन है, ये भी मैं कहूँगा कि ब्राउन है, तो डिफरेंस पता चल गया। आशा करता हूँ मैं आपको, तो आशा करता आपको डिफरेंस पता चल गया। तो मैं आपको पुराना वाला जो स्पार्क प्लग है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये था आपका पुराना वाला स्पार्क प्लग, देखो पूरा ब्लैक है और ये मेरा प्लैटिना का स्पार्क प्लग देख सकते हैं, इसमें कंपनी है चैम्पियन पावर का, चैम्पियन का। तो डिफरेंस देखो, इसे कहते हैं एक्यूरेट स्पार्क प्लग और इसे कहते हैं बिल्कुल रिच, मतलब मिक्सचर आपका बहुत रिच है, माइलेज आपको बिल्कुल भी नहीं देगा, ओवरहीटिंग नहीं करेगा, इंजन कूल रहेगा मैं बता दूँ, इंजन कूल रहेगा अगर आप ज़्यादा पेट्रोल दे रहे हो उसको, और माइलेज आपको बहुत बिल्कुल नहीं मिलेगा, पिकअप बिल्कुल नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा और आपका रॉ पावर आपको बहुत अच्छा मिलेगा स्टार्टिंग में, बट बहुत ज़्यादा तेल पिएगी भाई, तो इसे ना करें। और साइलेंसर से आपका ब्लैक स्मोक आ सकता है अगर ज़्यादा ही रिच होगा। तो ये वाला सेंट्रल इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, अगर ये पूरा ही हिस्सा बिल्कुल वाइट है, एकदम वाइट, तो माइलेज आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास देगा, बट आपको माइलेज में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट आपका परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सेकंड बात, इंजन हीटिंग बहुत ज़्यादा करेगा क्योंकि उसको आप पेट्रोल ज़्यादा कम दे रहे हो, तो माइलेज तो मिलेगा, पेट्रोल कम दे रहे हो, बट पिकअप आपको नहीं मिलेगा, चलाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, टॉप स्पीड कम हो जाएगा और स्टार्टिंग प्रॉब्लम 100% सुबह के टाइम 100% स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। तो उसके समय आपका मिक्सचर जो है लीन हो गया है, तो ये वाला रिच मिक्सचर, अगर ये वाला ऐसा पूरा वाइट हो जाता तो वह लीन मिक्सचर, और अगर ये आपका ब्राउन टाइप का है देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर। अगर ये वाला वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन रहा होगा, और इन्फॉर्मेशन रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और माइलेज टेस्टिंग का वीडियो, मतलब सॉरी माइलेज एडजस्टमेंट का वीडियो लास्ट में आ रहा होगा, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको माइलेज कैसे एडजस्ट करना है, ट्यूनिंग करना है, आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, बंदे मातरम, हरदम माता की जय।